Hello dear students, so in today's class our topic will be preparation and properties of ethers. It's from chapter alcohols, phenols and ethers for class 12. So aaj jo topic hum cover karenge wo hoga aapka preparation and properties of ethers. इसमें हम क्या देखेंगे कि प्रिपेयर कैसे किया जाता है ईथर्स को, साथ में उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे हम. सो टॉपिक्स के ऊपर आने से पहले एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको, यू शुड बी अवेयर ऑफ ईथर्स क्या होते हैं, व्हाट ईथर्स आर. सो एज यू नो इन द बिगिनिंग लेक्चर्स आई हैव एक्सप्लेन दिस थिंग कि ईथर्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं, बट स्टिल मैं यहाँ पे फिर एक बार आपको बताऊँ ये ईथर्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं. सो अगर हम बात करें ईथर्स क्या होते हैं, ईथर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जब आप एक एलिफैटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन के बदले एल्कोक्सी या एराइल ऑक्सी ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते हो. अब आप पूछोगे सर ये एल्कोक्सी एराइल ऑक्सी क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ. अगर हमारे पास एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है सच एज CH4, क्लियर, मीथेन, एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है हमारे पास मीथेन. अगर हम इसमें रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन को, अगर हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे और इस हाइड्रोजन के बदले सब्स्टिट्यूट करेंगे एल्कोक्सी, एल्कोक्सी मीन्स अल्काइल ग्रुप प्लस ऑक्सीजन एटम, तो उसके बदले अगर हम सब्स्टिट्यूट करें हाइड्रोजन के बदले एल्क ऑक्सी, ये हो गया बेटा आपका एल्क ग्रुप, ये हो गया ऑक्सी, दिस इज एल्क ऑक्सी ग्रुप, ठीक है. तो रिजल्टिंग कंपाउंड जो बनेगा जब आप एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन के बदले एल्क ऑक्सी ग्रुप डालते हो, जो रिजल्टिंग कंपाउंड आपका बनेगा CH4 में से H माइनस करना है आपने, तो क्या बनेगा CH3 बचेगा. अब जो हाइड्रोजन निकला इसको हमने माइनस किया और इसके बदले ऐड क्या किया हमने एल्कोक्सी ग्रुप, ये आ गया आपका OCH3 ग्रुप डाल दिया. इसका मतलब ये जो पार्ट है OCH3 दिस इज कॉल्ड एज एल्कोक्सी ग्रुप. यहां तो ये मिथॉक्सी है, दिस इज जनरली मिथॉक्सी, बिकॉज मिथाइल ग्रुप भी अल्काइल होता है, दैट इज वाई इट्स कॉल्ड एज एल्कोक्सी. So, यहां पे आ गया आपका ये कंपाउंड, रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड एज ईथर, क्लियर. दूसरा, अब अगर आप कहीं एरोमेटिक रिंग में से, फॉर इंस्टेंस बेटा यू हैव बेंजीन C6H6, क्योंकि पर्टिकुलर अल्कोहल तभी बनते हैं जब आप एलिफेटिक चेन में OH डालते हो हाइड्रोजन के बदले. फिनॉल्स तब बनते हैं जब H के बदले आप OH डालते हो रिंग में. लेकिन ईथर्स बनते हैं दोनों केसेस में, जब आप एलिफेटिक चेन के चेन में हाइड्रोजन के बदले डालते हो मिथॉक्सी या एल्कोक्सी ग्रुप, तो रिजल्टिंग कंपाउंड ईथर होगा. जब आप एक एराइल रिंग में जैसे कि बेंजीन में हम एक हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं बेटा, माइनस H करेंगे और इसके बदले डालेंगे कोई और ग्रुप, कोई और ग्रुप का मतलब सपोज हम डालेंगे OCH3, तो आपके पास कंपाउंड क्या बनेगा C6H5, इस H के बदले क्या डाला आपने OCH3, ये बनेगा आपका कंपाउंड, ये भी एक ईथर है. तो ईथर्स का बेटा जो जनरल फॉर्मूला है यहां पे अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे ये होगा इसका स्ट्रक्चर OCH3. ईथर्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये जो हो गया आपका अल्काइल चेन दिस इज R, और इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो AR से, AR OH R. तो ईथर्स के जनरल फॉर्मूला जो है बेटा, जनरल फॉर्मूला है या तो AR OH R होगा या होगा R OH R, क्लियर. सो ये होता है ईथर्स का जनरल फॉर्मूला. नॉमेनक्लेचर बिल्कुल आसान है, मैंने बोला हुआ आपको आप इस कंपाउंड को नाम कैसे देते हो, ये भी मिथाइल ग्रुप है ये भी मिथाइल ग्रुप है, दिस इज मिथाइल और मिथाइल दो हो गए, यू कैन कॉल इट डाई मिथाइल, और ऑक्सीजन के बदले आप लिख सकते हो ईथर. या इस कंपाउंड इस ग्रुप का नाम क्या है मिथाइल, इस ग्रुप का अगर आप नाम देखोगे ये ग्रुप है मिथॉक्सी, और अब क्या बचा यहां पे CH3 कार्बन एक है, तो दिस इज मिथॉक्सी मिथेन. जैसे यहां पे आप देखोगे ये वाला कंपाउंड
दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज मिथॉक्सी बेंजीन, या इसे आप एनिसोल बोलते हो. सो इनका नॉमेनक्लेचर भी क्वाइट ईजी है, सो यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड इट. मैंने जनरल फार्मूलाज की बात कही, ये जनरल फार्मूला होता है ईथर्स का. सीधे आते हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कि ईथर्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, हाउ ईथर्स आर प्रिपेयर्ड. तो हमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, साथ में हम एक और चीज देखेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज. सो ईथर्स के पास, ईथर्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास हम दो मेथड्स करेंगे. नंबर फर्स्ट, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स. अगर अल्कोहल्स लूज करेंगे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तो आपको रिजल्टिंग कंपाउंड्स ईथर्स मिल जाएंगे. दूसरा, विलियमसन सिंथेसिस, विच इज एन इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर्स. ईथर्स में एक और चीज याद रखनी है बेटा, जो आर ओ आर, अगर ओ के आसपास दोनों ग्रुप्स आइडेंटिकल है तो ऐसे ईथर को सिमेट्रिकल ईथर कहा जाता है. सपोज ओ के आसपास जो दोनों ग्रुप है, दीज आर सिमेट्रिकल, दोनों सेम है, सो सच ईथर्स आर कॉल्ड एज सिमेट्रिकल ईथर्स. क्लियर, इन्हें बोलते हैं हम सिमेट्रिकल ईथर्स. अब अगर ओ के आसपास जो ग्रुप है डिफरेंट है, जैसे ये है आपके पास कंपाउंड इथॉक्सीमीथेन, तो अगर ये कंपाउंड है इसमें ओ के आसपास दोनों ग्रुप्स जो है दीज आर डिफरेंट, यू कॉल दिस ईथर एज अनसिमेट्रिकल ईथर. इसे आप बोलते हो अनसिमेट्रिकल ईथर. सो बात यहां पे यही आती है, विलियमसन सिंथेसिस पे पॉइंट आया था. विलियमसन सिंथेसिस एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी सिंथेसिस है बाय विच यू कैन प्रिपेयर सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर्स. आप सिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हो, आप अनसिमेट्रिकल ईथर्स भी प्रिपेयर कर सकते हो. क्लियर, सो आगे चलते हैं हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे. सो नंबर फर्स्ट जो मेथड है प्रिपरेशन के लिए ईथर्स का, दैट इज फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, फ्रॉम अल्कोहल्स. सो अल्कोहल से हम ईथर प्रिपेयर कर सकते हैं बाय मेथड कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन. एसिडिक डिहाइड्रेशन होती है, मतलब कि एसिड की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल को आपने बाहर निकालना है, एसिडिक डिहाइड्रेशन देखनी है हमें. सो जनरली अगर आप देखोगे यहाँ दो कंडीशंस, मैं आपको ये रिएक्शन विद मैकेनिज्म दिखा दूंगा, यहाँ पे दो कंडीशंस अराइज होती है. फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास एक अल्कोहल है CH3CH2OH, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज इथेनॉल. अगर हम देखें इथेनॉल जो है, इथेनॉल अगर हम इथेनॉल को रिएक्ट करवाएं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, ये चीज़ आपने याद रखनी है. अगर आप इथेनॉल को रिएक्ट करवाते हो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, अगर टेम्परेचर लिया आपने 443 केल्विन, यहाँ मैं टेम्परेचर शो करता हूँ 413 केल्विन. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे बताऊंगा आपको, अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मींस वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना, एक ये OH जाएगा, एक ये इसमें से H जाएगा. अगर यहां से हाइड्रोजन निकला, यहां से OH, तो आपके पास बचेगा CH2CH2, इसका मतलब इथीन बनेगा. ये जो रिएक्शन है अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन, इट ऑकर्स अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस. उसका मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर को एक्सीड करवाते हो 443 केल्विन पे, मतलब कि अगर डिहाइड्रेशन वाटर मॉलिक्यूल निकालना है अल्कोहल से, आपने टेम्परेचर दोगे आप 443 केल्विन का, ये जो अल्कोहल है इट विल गेट कन्वर्टेड टू अल्कीन. उस टाइम आपको अल्कीन मिलेगा, आपको कंपाउंड जो चाहिए होगा जैसे ईथर वो आपको नहीं मिलेगा. लेकिन जब आप यही रिएक्शन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज करते हो एट 413 केल्विन, अगर आप ये रिएक्शन करते हो एट 413 केल्विन, तो आपको बेटा ये कंपाउंड मिलता है C2H5O C2H5. तो ये जो कंपाउंड है आपका, दिस इज कॉल्ड एज डाइइथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर. ये डाइइथाइल ईथर कैसे बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन. एसिड की प्रेजेंस में डिहाइड्रेट होता है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यहां पे एसिडिक डिहाइड्रेशन होती है. तो यहां पे जब आप देखोगे इसमें एसिडिक डिहाइड्रेशन होगी तो ये कन्वर्ट किसमें हो गया, अल्कीन में, जिसका नाम है इथीन.
इथीन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यही रिएक्शन जब हमने की एट 413 केल्विन्स, तो आपके पास जो रिजल्टिंग कंपाउंड है वो बना डाइएथाइल ईथर। अब बात आती है जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला मैंने कहा इनका आर ओ आर है, तो यहाँ पे देख लो, लेट दिस बी आर, ये भी आर है, तो ये क्या बना आपका आर ओ आर, दिस इज ईथर जो आपको चाहिए था। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर आप देखोगे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपने देखना है कि कैसे रिएक्शन में प्रोडक्शन होती है, ये कैसे बनेगा। एक्चुअली क्या होता है, हम इस मॉलिक्यूल में दो मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल लेते हैं, दो मॉलिक्यूल्स अल्कोहल के लिए जाते हैं, सो लॉस ऑफ वाटर होता है, साथ में आपका डाइएथाइल ईथर फॉर्म होता है। मैं आपको दिखाता हूँ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो रिएक्शन है ये वाली, क्योंकि ऊपर तो बना अल्कीन, ये हमें नहीं चाहिए 443 केल्विन। मैकेनिज्म अगर मैं आपको इस रिएक्शन का दिखा दूं, ये मैकेनिज्म फॉलो करता है SN2, दिस इज बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है ये रिएक्शन, ये आपने याद रखना है इसका मैकेनिज्म, और इसका नेचर न्यूक्लियोफिलिक होता है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक। अब फॉर्मेशन कैसे होती है, आई विल लेट यू नो। इसमें तीन स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, जो पहले स्टेज में आपका एसिड है वो देखो क्या करता है। फर्स्ट स्टेज में आपके पास बेटा होता है अल्कोहल CH3CH2, ये वाला अल्कोहल लेता हूं मैं जो आपने लिया है इथेनॉल, और साथ में O, साथ में H। लेकिन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, H2SO4 की प्रेजेंस में। H2SO4 की प्रेजेंस में मतलब H2SO4 क्या प्रोवाइड करेगा आपको, H पॉजिटिव। तो मैकेनिज्म देख लो क्या होता है। फर्स्ट स्टेप में आपका अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है, मैंने पहले कहा दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन है ये, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। तो ऑक्सीजन के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये पॉजिटिव चार्ज है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब ये एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, इन दो के बीच में इंट्रैक्शन होगी, तो यहाँ पे ये आपको मैं अटैक शो कर रहा हूँ कि अल्कोहल मॉलिक्यूल पहले प्रोटॉन के ऊपर जाकर अटैक करता है। दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ क्या बनेगा, CH3CH2O। एक तो इसके साथ अपना हाइड्रोजन है, दूसरा ये हाइड्रोजन इसके साथ आएगा जिसके ऊपर अटैक है। अब ऑक्सीजन बेयर करेगा पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं, स्टेप नंबर सेकंड। अब एक और मॉलिक्यूल, क्योंकि आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स मिक्स होते हैं इसके, दो, तो दूसरा स्टेप जो है उसमें फिर हम लाएंगे फिर से एक और मॉलिक्यूल। मैं आपको दिखाता हूं C2H5OH, ये लिया हमने दूसरा मॉलिक्यूल, साथ में इस इंटरमीडिएट को कंबाइन करेंगे CH3CH2OHH, और इसके ऊपर चार्ज क्या है बेटा, पॉजिटिव। अब देख लो आप यहां पे क्या होगा, फिर से ये जो दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल है इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, फिर से यही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होनी है, यहां पे ये अटैक पॉसिबल है इस हाइड्रोजन के ऊपर, तो इससे क्या बनेगा C2H5। ये C2H5 आपका सिंगल बॉन्ड O H, O के साथ H। अब यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, O और H इसके साथ है। इसके बाद देखना है आपने कि यहां पे क्या होगा, C2H5OH, यहां पे CH3CH2OH2 बना। अब जो सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप में आपने देखना है कि इसमें क्या होगा। ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, जो दूसरा मॉलिक्यूल हमने अल्कोहल का लिया C2H5OH, ये जो दूसरा मॉलिक्यूल लिया हमने, अब ये रिएक्ट करेगा पहले वाले मॉलिक्यूल के साथ। जब ये इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो आप देख लो यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी होगी, C2H5OH, ये वाला मॉलिक्यूल है। अब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, या यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी है, सॉरी
दूसरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये वाला तो है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ही, अब ये क्या करेगा, ये वाला ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी के लिए इस बॉन्ड को अपनी ओर ले जाएगा, इसका मतलब वाटर बाहर निकलेगा तो यहाँ जनरेट होगी पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर फिर ये अटैक पॉसिबल है। सो यहाँ पे आपने एक बार इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, C2H5O के साथ H, अब ये बॉन्ड फॉर्म करेगा यहाँ CH2CH3 के साथ, जो ये OH2 है इसको हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब लेकिन ऑक्सीजन की चार्ज क्या है, पॉजिटिव, साथ में क्या निकला, वाटर। अब देख लो ओक के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, दिस कैन नॉट बियर दिस पॉजिटिव चार्ज, तो ये बॉन्ड को अपनी ओर करेगा, हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, तो क्या बनेगा C2H5, यहां से ही डायरेक्ट शो करता हूं C2H5, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड C2H5, ये बना आपका डाइइथाइल ईथर, प्लस क्या निकलेगा, एच पॉजिटिव, ये एच पॉजिटिव किसका था, एसिड का, इट वर्क्स एज ए कैटेलिस्ट, खाली इसने काम किया एज कैटेलिस्ट, क्लियर। तो ये आ गया आपका मैकेनिज्म इसका, बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन है ये, इन्वॉल्विंग ए न्यूक्लियोफाइल, सो ये होगी फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पे, जो दूसरा पार्ट है इसकी प्रिपरेशन का, उसको डिस्कस करते हैं हम। सो दूसरा जो मेथड है प्रिपरेशन का, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। सो विलियमसन सिंथेसिस में हम क्या देखेंगे कि इस मेथड से सिमेट्रिकल ईथर भी बनेगा एज वेल एज आपका अनसिमेट्रिकल ईथर भी फॉर्म होता है। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल मैंने आपको क्लियर किया पहले ही, इसमें से आपको सिमेट्रिकल ईथर भी मिलेगा, अनसिमेट्रिकल ईथर भी मिलेगा। देखो रिएक्शन क्या होती है, सिंपल रिएक्शन है, इसमें अल्काइल हैलाइड को, दिस इज अल्काइल हैलाइड, इसको रिएक्शन किया जाता है एल्क ऑक्साइड के साथ, दैट इज सोडियम एल्क ऑक्साइड फॉर इंस्टेंस। विलियमसन सिंथेसिस जो है ये आपने याद रखना है, यहाँ पे R और R डैश डिफरेंट है, अगर R होगा आपका CH3 तो R डैश मान लो आप C2H5, फिर देखते हैं हम कि कौन सा ईथर फॉर्म होगा। सो ये चीज देखिए आप, विलियमसन सिंथेसिस इज बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर्स, इससे सिमेट्रिकल ईथर भी मिलेंगे आपको, अनसिमेट्रिकल ईथर भी मिलेंगे। सो अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब सोडियम एल्क ऑक्साइड के साथ की जाती है, सोडियम एल्क ऑक्साइड के साथ, तो आपको क्या मिलता है, आपको चाहिए ईथर, तो यहां से बेटा एक्स और यहां पे आप देख लो एन ए, Na और X बनेगा, दैट इज सोडियम हैलाइड बनेगा, सोडियम के साथ NaX निकलेगा, प्लस क्या बचा आपके पास ROR, तो ये ROR किसका फॉर्मूला होता है, दिस इज ईथर। तो सिंपल मेथड है विलियमसन सिंथेसिस, इसमें हम क्या करते हैं, एक तो सोडियम एल्क ऑक्साइड लेते हैं, वी टेक सोडियम एल्क ऑक्साइड, साथ में अल्काइल हैलाइड लेते हैं, जब दोनों की रिएक्शन होती है, दोनों की रिएक्शन में क्या बनता है बेटा आपका ईथर, इससे सिमेट्रिकल ईथर भी बनता है, इससे अनसिमेट्रिकल ईथर भी फॉर्म होता है। सो दीज आर टू मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, काफी सिंपल से दो मेथड्स हैं, उसमें पहले में मैंने आपको मैकेनिज्म भी दिखाया, दूसरे वाला ये आ गया आपका विलियमसन सिंथेसिस। अब आते हैं इनकी रिएक्शंस के ऊपर, अब आते हैं इनकी रिएक्शंस के ऊपर। तो इफ यू हैव वॉच्ड माई फर्स्ट वीडियो ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स, अगर आपने देखी होगी, अगर आपने वीडियो देखा होगा कि केमिकल रिएक्शंस अल्कोहल्स की कैसे होती है, दोज आर ऑफ टू टाइप्स, वन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड एंड वन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ईथर्स जो है ये रिएक्शंस, इनकी रिएक्शंस जो करेंगे हम केमिकल रिएक्शन, इसमें आपने एक चीज याद रखनी है, वो क्या है कि
जब हम ईथर्स देखते हैं, ईथर्स में क्योंकि जनरल फॉर्मूला है आर ओ आर, इसका मतलब इस आर में भी कार्बन, इसमें भी, दोनों केसेस में सी ओ बॉन्ड ही ब्रेक होगा। तो यहां एक तरह की रिएक्शन है, दैट इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज और ब्रेकेज ऑफ सी ओ बॉन्ड। तो यहां आपने ये रिएक्शन पढ़नी है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ सी ओ बॉन्ड। एक रिएक्शन मैं आपको बताता हूं, अगर हम ईथर्स को अल्काइल हैलोजन एसिड्स के साथ रिएक्ट करें, अगर हम ईथर्स को, ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या है, आर ओ आर, अगर हम इनकी रिएक्शन करें हैलोजन एसिड्स के साथ, किसके साथ, हैलोजन एसिड्स के साथ, तो हमें दो मॉलिक्यूल्स अल्काइल हैलाइड्स के मिलते हैं। इसका मतलब HX के बीच में भी बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां RO के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहां क्या बनेगा, RO एंड H, इसको निकालता हूं बेटा पहले, ROH, दिस इज अल्कोहल बना, सिंपल याद रखना है आपने, यहां पे क्या बना आपका अल्कोहल, प्लस प्लस क्या निकलेगा साथ में, ROH निकला, अब क्या बचा, RX। तो RX किसका फॉर्मूला होता है, अल्काइल हैलाइड्स का। मैं आपको बता रहा हूं केमिकल रिएक्शंस जो है इनमें क्लीवेज होता है सीओ बॉन्ड का। जब हम एक ईथर को रिएक्ट करवाते हैं हैलोजन एसिड के साथ, वी गेट अल्कोहल प्लस अल्काइल हैलाइड। अगर इसी अल्कोहल को दोबारा से, अगर इसी अल्कोहल को दोबारा से, इस अल्कोहल को दोबारा से आप हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे, आर ओ एच को फिर से हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे, यू विल गेट सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो यहां क्या बनेगा, फिर से ब्रेक होगा ये बॉन्ड, फिर से ब्रेक, इनके बीच में बॉन्ड होगा, आर और एक्स बनेगा, दैट इज आर एक्स, प्लस क्या निकलेगा बेटा आपका, वॉटर। सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट किस हिसाब से, वेन ethers undergo cleavage of CO bond with halogen acids, two molecules of alkyl halides are produced. यहाँ पे एक molecule बना, दूसरा molecule बना, so two molecules of alkyl halides are produced. These undergo these types of reactions. जो हमारे ethers हैं इनमें ये तरह की reactions easily होती है, producing two molecules of alkyl halides. So बेटा अगर आपने देखना है कि कोई बनाना है आपने ईथर, यू कैन प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू देना है आपने, आपको कंपाउंड मिलेगा, क्लियर। सो आपको आर का वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको जो कंपाउंड है वो मिलेगा, दिस इज जनरल रिएक्शन, इसके बेस पे आप 100 कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हो ईथर्स के। सो दिस इज अबाउट रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ सीओ बॉन्ड। दूसरी इनकी है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, उसमें मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज वो रिएक्शन हमने की है इन केस ऑफ अल्कोहल्स, इन केस ऑफ फिनॉल्स हमने की है। जो दूसरी रिएक्शन है इनकी केमिकल रिएक्शन, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अब हम देखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेटा ईथर्स का जनरल फॉर्मूला देख लो क्या है, ए आर ओ आर, यहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, आर ओ आर में आपने देखा कि सी ओ बॉन्ड जो है वो क्लीवेज हो जाता है, उसका ब्रेकेज हो जाता है। सो यहां पे ध्यान रखना आपने, इन केस ऑफ दीज एरोमेटिक ईथर्स जो रिंग वाले कंपाउंड के साथ होते हैं, इनमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है और इनमें नहीं है। जैसे मैं आपको एक ईथर दिखाता हूं, यहां पे एक ईथर है हमारे पास, दिस इज ओ सी एच थ्री, ये आ गया बेटा आपका ए आर, ये आ गया आपका आर, ए आर ओ आर, ये भी जनरल फॉर्मूला है इनका। तो इन कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, इनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप देखोगे। अब यहां पे जो कंपाउंड है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड एज एनिसोल, यहां बोलते हैं इसको मिथॉक्सी बेंजीन। ये जो मिथॉक्सी बेंजीन है आपका, जैसे मैंने फिनॉल्स की केमिकल प्रॉपर्टी में आपको एक चीज समझाई थी कि जो हमारा ये गेट कीपर होता है, ये गेट कीपर मान लो आप ग्रुप जो अटैच होता है रिंग के साथ,
जैसे फिनोल्स में OH ग्रुप था ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इस वजह से जो भी इलेक्ट्रोफाइल आता था वो कहाँ जाता था, या तो जाता था ऑर्थो पोजिशन पे या जाता था पैरा पोजिशन पे। इन द सिमिलर मैनर जो इनका ग्रुप होता है, दिस इज आल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्या होता है ये बेटा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो इस वजह से अगर आप नाइट्रेशन करोगे, ध्यान रखना, सो मेथड वही है, इस वजह से जो इनका ग्रुप है दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ये कहां पे आने वाले इनकमिंग ग्रुप को भेजेगा? या तो ऑर्थो पोजिशन पे या पैरा पोजिशन पे। सो अगर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, अगर आप नाइट्रेशन करोगे वो किस पोजिशन पे होगी? ऑर्थो पे भी पैरा पे भी। अगर आप सल्फोनेशन करोगे वो किस पोजिशन पे होगी? वो भी होगी ऑर्थो पैरा पे। अगर आप फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस करोगे तो वो भी ऑर्थो पैरा रिएक्शंस, वो ऑर्थो पैरा पोजिशंस पे ही होंगे, बिकॉज द नेचर ऑफ द ग्रुप, दिस मिथॉक्सी ग्रुप इज टू डायरेक्ट द इनकमिंग न्यूक्लियर इलेक्ट्रोफाइल्स टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। क्लियर? आई होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग आउट ऑफ इट। इसको मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज नाइट्रेशन पढ़ी है आपने, सल्फोनेशन पढ़ी है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस पढ़ी है, तो ध्यान यही रखना है। आप इसकी नाइट्रेशन भी कर सकते हो, आप इसकी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस भी कर सकते हो, बट जो कंपाउंड बनेगा वहाँ ग्रुप जो लगेगा वो लगेगा ऑर्थो या पैरा पोजिशंस पे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग।